संसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ। मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। खेलो इंडिया का थीम सॉन्ग लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ फैसले प्रदेश सरकार ने लिए हैं और प्रदेशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पुरुषोत्तमपुरा बाग से सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह कमलेश ढांडा भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। कुरुक्षेत्र में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा 15 से 18 मई तक चलेगी। सांसद खेल स्पर्धा के शुभारंभ अवसर पर ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग से सीएम मनोहर लाल ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि सांसद खेल स्पर्धा की मैराथन में दौड़ लगाने के लिए 5000 खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया। सांसद खेल स्पर्धा में एकत्रित युवाओं को देखकर ही इस खेल स्पर्धा के प्रति लोगों में उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश के युवा युवतियों को एक उत्साह, एक उमंग, एक उल्लास ये मन में भर करके अपने शरीर को भी मजबूत करना है, मस्तिष्क को भी तेज करना है, अपने चंचल मन को निर्मल करना है, तो ऐसे आयोजन, मैराथन जैसे आयोजन, इस प्रकार के आयोजनों से बहुत संदेश जाते हैं। सामूहिकता का संदेश जाता है और युवाओं के संकल्प का भी संदेश जाता है। आज आखिर हमारा युवा उसकी दिशा ठीक दिशा हो, उसको किसी प्रकार का कोई बुरी आदत न लगे, ऐब न लगे, नशे से दूर रहे और जीवन में एक अच्छे स्वच्छ सार्थक सक्षम बनने की प्रेरणा उनमें जागे, तो ऐसे मैराथन का जो आयोजन किया गया है ये आज हमारे सांसद नायब सैनी जी के पितरों से हुआ है। क्योंकि देश भर में सांसदों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता ये शुरू कराएं, उसी के अंतर्गत आज मैराथन के बाद कबड्डी का मैच और रेसलिंग के इस प्रकार के मैच भी दरबार होंगे, तो आप निश्चित रूप से उन सबको देखेंगे तो आपको भी सबको आनंद आएगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि युवाओं में एक उमंग है, ऐसे आयोजनों से बहुत अच्छा संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे युवाओं को किसी भी बुरी प्रकार की लत नहीं लगेगी, इसलिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत युवा मैराथन का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि देश भर में सांसदों को कहा गया है कि अपने अपने जिलों में सांसद खेल प्रतियोगिता करवाएं, उसी के अंतर्गत मैराथन करवाई गई। कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के 17 खंडों से 5000 के करीब प्रतिभागियों ने मैराथन में हिस्सा लिया। सीएम मनोहर लाल ने सांसद खेल स्पर्धा के मौके पर खेलो इंडिया थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस बार हरियाणा को खेलो इंडिया की मेजबानी करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर खेलो इंडिया को सफल बनाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने भी खेल स्पर्धा में हिस्सा लेते हुए दौड़ लगाई। लेकिन जो खिलाड़ी भाग नहीं लेंगे वो भी दर्शक के रूप में एक दिन दो दिन जाकर के अवश्य आए, इसलिए आज इन युवाओं को अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए अपने आप को अपना लेवल समझो। हमारा देश का युवा जिसको कहते हैं वो 24 कैरेट गोल्ड है, और अगर मैं हरियाणा के युवा की बात करूं तो वो गोल्ड नहीं, वो 24 कैरेट डायमंड है। तो आप अपनी हैसियत को समझे, अपनी शक्ति को समझे, अपने तेज को, प्रताप को समझे और अभी ये संकल्प लें कि हम आगे
न केवल सक्षम बनेंगे बल्कि सार्थक बनकर के देश और समाज के लिए सेवा करेंगे। कुरुक्षेत्र में सांसद स्पर्धा के अंतर्गत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल खुद भी दौड़ में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेल अच्छी प्रतिस्पर्धा और संगठन शक्ति सिखाते हैं, खेल निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिल्खा सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि 80 साल की उम्र में भी मिल्खा सिंह दौड़ते थे। मिल्खा सिंह जी से प्रेरणा लेनी होगी। जैसा हम जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी, सरदार मिल्खा सिंह जी आयु 12 नहीं बनी थी और 80 साल के बाद भी वो लगातार दौड़ते रहे और इस दौड़ के आदर्श बन गए। अगर आज अगर आदर्श के नाते से दौड़ में किसी को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो मिल्खा सिंह जी का नाम है। आज इस अवसर पर मुझे तो जरा आपको कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि युवाओं को खेल के अंदर आगे बढ़ाओ और युवाओं को खेल के अंदर आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं। ये तो है ही है सांसद खेल प्रतिस्पर्धा, अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हरियाणा खेलो इंडिया की मेजबानी करेगा। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी होगी। खेल अच्छी प्रतिस्पर्धा और संगठन शक्ति दिखाते हैं और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आओ देश के लिए काम करें और मिलकर आगे बढ़ें। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में आने वाला है और वह खेलो इंडिया में एक आयु वर्ग रखा है 14 वर्ष से 19 वर्ष तक के जो छात्र छात्राएं हैं, जो खिलाड़ी हैं, वही उसमें भाग लेंगे और 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के माध्यम से देश में आगे बढ़कर के दुनिया में अपना काम करना है। एक आयु है, हमने पढ़ाई भी करनी है, हमने आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार के यानी स्किलिंग के कार्यक्रम में भी जाना है। आईटी का जमाना है, आईटी की पढ़ाई में आगे बढ़ करके, विज्ञान में आगे बढ़ करके देश और दुनिया के अंदर छाना है और फिर जीवन के अंदर अच्छा एक व्यवसाय करके उस व्यवसाय में न अपने आप को सक्षम बनाना है बल्कि सार्थक बनाना है। सक्षम वो होता है तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना काम ठीक कर ले, परिवार का काम ठीक कर ले, वो तो सक्षम है, कैपेबल है। लेकिन सार्थक बनना, हमारा जीवन सार्थक तब होगा जब हम दूसरों के लिए भी जिएंगे, हम दूसरों के लिए जिएंगे, देश के लिए जिएंगे तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा। मित्रों, आज इस अवसर पर हम सब लोगों इन शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम करना है। वैसे तो पूरा जीवन एक दौड़ होती है, यह अंदर हमको उस बिगड़ने वाली आंधी का रूप नहीं लेना है, हमको मंद गति से तेज गति अपने शरीर के साथ इसका एक सदुपयोग करना है। और जैसे हर एक बड़े कार्यक्रम का एक संदेश होता है, मैं कहता हूं आज के इस कार्यक्रम का भी एक संदेश, इसका एक मैसेज, इसका एक थीम और वो ये होना चाहिए, आओ अच्छा बने, आओ आगे बढ़े, आओ ऊंचा उठे, आओ देश और समाज के लिए काम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसका अलग एक उमंग है, कहते हैं कि जो युवा है उस युवा को हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। युवा नाम है जोश का, युवा नाम है होश का, युवा नाम है उत्साह का, युवा नाम है उमंग का, युवा नाम है विकास का, युवा नाम है प्रयास का और युवा नाम है विकास का, युवा नाम है उल्लास का। युवा को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। मित्रों, युवा और वायु इसमें बहुत अंतर नहीं होता। युवा को यू कर दो तो वायु, यू कर दो तो क्या युवा। जैसे वायु की गति होती है, वेग होता है, तेज होता है, उसी प्रकार से इस युवा की, इसकी भी अपनी गति होती है, वेग होता है। हम लोग युवा साथी कार्यक्रम के अंदर जो भाग ले रहे हैं तो न केवल अपने लिए बल्कि अपना परिवार, अपना जिला, अपना प्रदेश और देश, इन सबका विचार करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो सब इकाइयां आगे बढ़ेंगी,
आखिर हमारे अकेले दौड़ने से केवल अकेले का नहीं एक सामूहिक प्रयास जो है इसका एक हमको लाभ मिलता है। बक्सर जिले के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का एक कार्यक्रम है कि जब सब युवा साथी हमारे भाई बहने सब बंधुगण और एक आयोजन किया मैराथन का और ये मैराथन का जो आयोजन होता है इसके कई मायने हैं। शरीर के नाते हम दौड़ते हैं हमारा शारीरिक बल बढ़ता है, जब हमारी सामूहिक शक्ति दिखती है तो उसमें हमारा संगठित प्रयास ये एक संदेश देता है। हम दौड़ते हैं ये हमारी ऊर्जा का प्रतीक है। यार पहले इधर वाले बोलेंगे भारत माता के, चलो जाओ भारत माता के लगे पीछे एक बार फिर भारत माता के, भारत माता के तो किला स्वर फिर आगे है। अब पहले इधर से फिर उधर से भारत माता के, भारत माता के एक बार इकट्ठे भारत माता के। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को संदेश दिया कि खेलों के साथ साथ हमें तकनीक से जुड़ना होगा, हमें सक्षम और सार्थक बनना होगा। इस मैराथन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद दौड़ भी लगाई। कुरुक्षेत्र में सांसद स्पर्धा के अंतर्गत मैराथन दौड़ का आयोजन करते हुए सांसद खेल स्पर्धा की मैराथन को हरी झंडी दिखाकर खुद भी सीएम मनोहर लाल ने दौड़ लगाई। साथ ही मिल्खा सिंह का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में खेलकूद जैसे विषय में मिल्खा सिंह जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया नारे को ध्यान में रखकर इस स्पर्धा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस सांसद खेल स्पर्धा से युवाओं और आमजन में खुद को तंदुरुस्त रखने का संदेश जाता है। अपने आप को फिट रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये नारा फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसके तहत हम ये कर रहे हैं और आज हमारे माननीय सांसद जी ने जो बहुत बढ़िया सांसद खेल स्पर्धा का शुरुआत आगाज किया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो ये एक मैसेज आता है कि युवाओं के अंदर और वैसे भी जो हमारे आमजन है उनके अंदर कि हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है और अपने आप को फिट रखना है कि जो आम जो हमारी लाइफ है उसमें हम अपने आप को अच्छा रखें। बहुत अच्छी शुरुआत है सांसद खेल स्पर्धा में। मैं माननीय नैब सिंह सैनी जी जो हमारे सांसद हैं और बहुत ही बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हर सांसद को खेल के लिए और खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए जो स्पर्धा शुरू की है उसमें माननीय नैब सिंह सैनी जी ने हरियाणा में शुरुआत की है, तो मैं उनको बधाई के पात्र हैं, बधाई देता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैराथन है उसको हरी झंडी देकर एक शुरुआत की है, क्योंकि हरियाणा खेलों में काफ़ी आगे है और आगे रहे इसके लिए लगातार प्रयास चलते रहते हैं। उसमें प्रयास जो है सांसद की तरफ से माननीय नैब सैनी जी ने किया है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। जो भी खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं चाहे वो कबड्डी के हों, रेसलिंग के हों और मैराथन के लिए हैं, मैं सबका स्वागत भी करता हूँ और सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ कि एक बड़े भव्य रूप में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और ये बधाई के पात्र हैं। उनके साथ जितने भी हमारे साथी हैं मैं उनको भी बधाई देता हूँ। तो हम सब भलीभांति जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वस्थ मनुष्य सब काम सुगमता से कर सकता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा को हरी झंडी दिखाई, जिसमें खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने प्रधानमंत्री के फिट इंडिया नारे को ध्यान में रखकर हरियाणा प्रदेश में सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत की है और खुद को फिट रखने का संदेश दिया। चलिए फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। माथे पर से गिरा पसीना बना ले पत्थर जैसा सीना।